बना रहे हैं आपके लिए डेट्स एंड वॉलनट केक। हमारे साथ होंगी गुड फूड कुकिंग क्लासेस से ज़ेबा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा जो ये आज आप केक बनाने वाली है, सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है। डेट्स भी है, वॉलनट भी है और केक तो ऑब्वियसली है ही, गुड होगा क्योंकि आप गुड फूड से हैं। लेकिन बताइए कि क्या खास है इस केक में? इस केक की ये खासियत है कि अगर आप ये केक बना के किसी अपने रूठे को खिलाएंगी तो वो मिनटों में मान जाएगा। चलिए ज़ेबा जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम बटर लेंगे और इसको इस बोल में निकाल लेंगे। बिल्कुल। इसके बाद ये शुगर जो है, ये जो शुगर पाउडर है, हाँ शुगर पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले बटर डाला है, उसके ऊपर से जो जितना शुगर पाउडर है वो डाल दिया है। और साथ के साथ हम इसे बीट करते रहेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। इसको 2-3 मिनट तक आप इससे बीट कीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए, अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ये। और देखिए ये अपनी फॉर्म में आता जा रहा है जी। और हमें इसे इतना बीट करना है टिल लाइट एंड फ्लफी। क्या करें? अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। बिल्कुल। तो अपना वो मेजरमेंट स्पून निकालेंगे, 1 टीस्पून उसमें वनीला एसेंस डालेंगे जिसका प्रयोग होगा अंडे की दुर्गंध मिटाने के लिए। जरूर। ये देखिए अब हमने ये डाल दिया है वनीला एसेंस। अब हम अंडे डालते जाएंगे साइड बाय साइड और इसे बीट करते जाएंगे ताकि ये कर्डल ना हो। और अगर हमने इसे सारे अंडे इकट्ठे डाल देते हैं तो ये एकदम बीच में कर्डल हो जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी इसके अंदर। क्योंकि एक बार हम अगर अंडे डाल चुके होते हैं उसके बाद हम बीटर यूज़ नहीं करते हैं मैदा डालते। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैदा डालना है जिसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी है ताकि जो हमारा केक है वो काफ़ी फ्लफी बने। अब इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू इसको डालेंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे फिर ये कट एंड फोल्ड। अब ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है मैदा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डेट्स डालेंगे जिसे हमने ओवरनाइट वार्म वाटर में 1/4 टीस्पून सोडे के साथ सोक किया था जी। तो ये जो एक रात पहले आपने खजूर के साथ ये प्रोसेस किया था, अब ये डेट्स हम डाल रहे हैं अपने बीट किए हुए मिक्सचर में जी। अब हम इसके अंदर वॉलनट्स डालेंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं जी। और हमने अपने ओवन को प्री हीट किया है 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अब ये रेडी हो गया है। अब इसको बेक करने के लिए हमने ये टिन लिया है जिसको हमने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है। इसमें पहले हमने बटर से ग्रीस किया है फिर मैदे से इसको डस्ट किया है। ऐसा क्यों? ताकि केक जो है जब हम निकालेंगे तो ये चिपके नहीं। ये एल्युमिनियम टिन ही यूज करना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो आप पूरा मिक्सचर हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी तक तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये रेसिपी। और पूरा जो हमने बीट किया था मिक्सचर वो हमने इस टिन कंटेनर में डाल दिया है। ये देखिए अब ये अच्छे से हमारा केक सेट हो गया है। बिल्कुल। पूरा इसने इस टिन जो कंटेनर है उसका आकार ले लिया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। जी जरूर। तो ज़ेबा जी क्या हम तैयार हैं अपने केक को अवन से बाहर निकालने के लिए? जरूर। केक काफी दिलचस्प लग रहा है, काफी फ्लफी भी है। हाँ लेकिन अभी इसका एक टेस्ट बाकी है। एक और टेस्ट? जी, जी। अभी आपको इसको सेंटर में पास करके देखना है। और ये देखिए ये नाइफ जो है इसके दोनों तरफ कुछ लगा नहीं होना चाहिए, इस मीन ये क्लीन नाइफ निकलनी चाहिए। अब क्या करेंगे? अब ये केक तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकालेंगे। डेट एंड वॉलनट केक बनाने के लिए आपको चाहिए बटर 175 ग्राम्स, शुगर पाउडर 175 ग्राम्स, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, अंडे 4 से 5, मैदा 250 ग्राम, 1/2 टीस्पून सोडा के साथ सोक किए गए खजूर, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, साथ में बारीक कटे हुए अखरोट। डेट एंड वॉलनट केक बनाने की विधि। सबसे पहले बटर में मिलाएं शुगर पाउडर और मिश्रण फ्लफी होने तक बीट करें। अब मिलाएं वनीला एसेंस। अब एक एक अंडा डालते हुए बीट करें और मिलाएं मैदा। अच्छे से मिक्स करें और डालें खजूर और अखरोट। अब इस मिश्रण को बटर से ग्रीस किए टिन में डालें। अब इस टिन को अवन में 160 डिग्री पर 60 मिनट के लिए बेक करें। 1 घंटे बाद बनकर तैयार है डेट एंड वॉलनट केक। तो बनकर तैयार है डेट एंड वॉलनट केक। मैंने इस केक का इंतजार 1 घंटे से भी ज्यादा किया है, तो मैं और इंतजार नहीं करूंगी और इसे फाइनली टेस्ट करूंगी। सच बताऊं तो मैंने काफी सारे केक्स ट्राई किए हैं, काफी सारे टी केक्स मैंने खाए हैं, लेकिन ये जो डेट एंड वॉलनट केक है वाकई बेस्ट है। मानना पड़ेगा कि ये गुड फूड क्लासेस की जो रेसिपी है वो सिर्फ गुड नहीं जॉली गुड है। तो आप भी घर में जरूर बनाइएगा और सबका दिल जीतिएगा।